त्योहारों का मौसम है, ऐसे में लोग सोने चांदी के सामान भी खूब खरीदते हैं। धनतेरस पर भी सोने चांदी की बिक्री को देखते हुए ज्वेलर्स अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा सोने चांदी का सामान रखते हैं, और शायद इस बात का अंदाजा चोरों को भी था, इसीलिए चोरों ने एक ऐसी चोरी की वारदात को अंजाम दिया जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। असल में चोरों ने शालीमार गार्डन स्थित एक लीला ज्वेलर्स नाम की दुकान को निशाना बनाया। इन्होंने पहले तो 30,000 रुपए एडवांस देकर ज्वेलर से उसी की पड़ोस की दुकान को कपड़े का शोरूम खोलने के नाम पर 4 दिन पहले ही किराए पर लिया, और फिर धनतेरस के दिन ज्वेलर्स से किराए पर ली गई दुकान का एग्रीमेंट कराने की बात चोरों ने तय की, और सामान आने की बात कहकर उस दुकान की चाबी भी ज्वेलर से उन्होंने ले ली। और इसके बाद बीती रात उस दुकान से पड़ोस की ज्वेलरी शॉप के पीछे की दीवार काट कर चोरी की इस हैरान करने वाली वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने ऑक्सीजन सिलेंडर की मदद से ज्वेलर की तिजोरी काट कर उसमें से लगभग 30 किलो चांदी और 250 ग्राम सोना और करीब करीब 1.5 लाख कैश को चुरा लिया। साफ है चोरों ने इस बड़ी घटना को पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। चोर पूरी तैयारी के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर और तिजोरी काटने के लिए बाकी साजो सामान के साथ लैस होकर आए थे, और घटना को अंजाम देकर वहां से चंपत हो गए। पीड़ित दुकानदार के मुताबिक सुबह दुकान पर पहुंचने के बाद उन्हें घटना की जानकारी मिली, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं पुलिस अब दुकान पर लगे सीसीटीवी और सर्विलांस का सहारा लेकर चोरों को ढूंढने में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल चोर पुलिस की गिरफ्त से बहुत दूर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम।